लॉकडाउन के कारण बाड़मेर के समदड़ी में फंसे दो दर्जन बंगाली श्रमिकों को बुधवार को मेडिकल की ओर से स्क्रीनिंग के बाद स्पेशल बस से जोधपुर भेजा गया। जोधपुर से स्पेशल ट्रेन से इनको पश्चिमी बंगाल भेजा गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार भवनलाल मीणा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनी समेत कई लोग मौजूद रहे। पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, साथ ही कोई मजदूर पैदल नहीं जाए इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रवासी मजदूर है इनकी समस्या सुनी और जो पश्चिम बंगाल के यहाँ श्रमिक जो बंगाली कारीगर यहाँ बैठे थे उनके लिए स्पेशल बस भेज करके इनको इनके गाँव पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए व्यवस्था की है। तो यहाँ से दो दर्जन जो बंगाली कारीगर है वो यहाँ सुबह पहुँच गए थे 10 बजे, उनकी पूरी व्यवस्था की यहाँ पे और स्कैनिंग करके उनको वापस भेज रहे हैं।